जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग केबीसी ग्लोबल लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड का अभी भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने का सबको इंतजार है, क्योंकि क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर इस कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होगी कि और गिरावट होगी, ये एक अनुमान लग जाएगा। इसलिए काफ़ी सारे इसके इन्वेस्टर जो हैं क्वार्टर फोर के नंबर आने का अनुमान लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कब आएगा, तो इसके बारे में बात होगी। साथ में कंपनी के और भी तमाम पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। केबीसी ग्लोबल के इन दिनों दिन अच्छे चल रहे हैं, देखेंगे तो तकरीबन एक एक दिन में इसमें 5-5% का सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इसके शेयर प्राइस में इतने इतने परसेंट की उछाल देखने को आपको मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार जंप इस स्टॉक में देखने को मिला। हर एक जगह सिर्फ आपको ग्रीन ग्रीन ही देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में भी स्टॉक तकरीबन अच्छा खासा चढ़ा है। मतलब ये जो रिटर्न है 2.5% के आसपास एक सप्ताह में देखने को मिला है, और इसमें भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक अपर सर्किट में ही आपको चलते हुए दिख रहा है। अपर सर्किट जब लगता है तो लोगों के जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो खुशी की बात होती ही है, लेकिन जो नए व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जब अपर सर्किट लगता है तो कोई नया व्यक्ति इसमें किसी भी कंपनी में जब अपर सर्किट लगता है तो उस कोई भी व्यक्ति उसके नए शेयर्स को बाय नहीं कर सकता है। हालांकि एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 6.5% के आसपास आपको टूटते हुए नजर आएगा, क्योंकि लंबी अवधि से तो इस स्टॉक में गिरावट ही चल रही है। सिक्स मंथ में देखेंगे तो सिक्स मंथ में स्टॉक तकरीबन 10% के आसपास टूटा है। हालांकि अब इस कंपनी के दिन अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके जो क्वार्टर फोर के नंबर आने वाले हैं, उम्मीद है कि क्वार्टर फोर के नंबर अच्छे आएंगे। और आपको पता है कि जब क्वार्टर फोर के नंबर से एक कंपनी का जो फंडामेंटल होता है फंडामेंटल मजबूत होता है, और जब फंडामेंटल मजबूत होगा जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। यहाँ पर हम लोग केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के काम और फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इस कंपनी का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। अभी काम की बात करें तो आपको पता है कि ये एक रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। अपनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन के काम भी थोड़ा बहुत ही कंपनी करती है, और सबसे कमाल की बात यह है कि कंपनी ग्लोबली स्तर पर भी काम करते हुए आपको दिख जाएगी, और कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। मतलब रियल एस्टेट में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने का और जमीन खरीदने के काम करती है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर कंपनी काम करती है। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से केबीसी ग्लोबल लिमिटेड का जो कंपनी का काम है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। फंडामेंटल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको हर एक अपने वीडियो में बताता हूँ कि पेनी स्टॉक का यदि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास है या उससे अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप 150 करोड़ के आसपास है, यानी काफ़ी बढ़िया है। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू से ज़्यादा होता तो और बढ़िया होता, लेकिन बुक वैल्यू के आसपास है तो फिर भी ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी का काफ़ी कमाल की बात है। सामान्यतः छोटी कंपनियों में रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तकरीबन 13% के आसपास है, और ROC 17% के आसपास है, इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस कंपनी का है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दे सकती है, इसीलिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा है। PE भी काफ़ी शानदार है स्टॉक का PE, यानी कि भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी सस्ता है, आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। अब चलिए सीधे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि शेयर प्राइस में उछाल कब आएगा। तो अभी देखेंगे, अभी मैंने एक साल का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर अप एंड होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पर बनाते हुए दिखेगा, और इसका मतलब होता है कि शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस अब इस स्टॉक में बन रहे हैं। अभी देखिए, अभी एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास ही ठहरा हुआ है तकरीबन, यहाँ पर ये 2 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर पैसा आगे ठहरा हुआ है, और काफ़ी दिनों से देखेंगे तो 2 रुपये से 3 रुपये के बीच में ही ये स्टॉक काफ़ी दिनों से फरवरी 2023 और अप्रैल चल रहा है, यानी कि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर अच्छे आते हुए दिखते हैं। तो यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक मार के ये जो देखेंगे ना, ये वाला जो एरिया है इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर रहा है। काफ़ी बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है, तो इसको ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ब्रेक करके ऊपर यहाँ पर यदि कुछ सस्टेन कर जाता है तब निश्चित ही प्राइस अपने बुरे दिनों से ऊपर निकल जाएगा, और उसके बाद इस स्टॉक के अच्छे दिन आते हुए आपको देख सकते हैं। आपको इंतजार करना है कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आने का, और कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर कब आएंगे तो जैसा कि मुझे उम्मीद है अभी अप्रैल तो खत्म हो गया, मई मंथ शुरू हो गया, तो इसी मई में इस कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आपको आते हुए देख सकते हैं। मई मंथ में कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आएगा, कंपनी के सेल्स और कंपनी का उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट दोनों में आपको बढ़ोतरी होते हुए दिख सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है कम ही हुए हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर में ये जो आंकड़ा है इसका जो नेट प्रॉफिट का वो बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में ये लगी कि जब मैंने इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखा तो पाया कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है, यानी कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स स्टॉक से गायब नहीं हुए तकरीबन। हालांकि पिछले कुछ समय में देखेंगे तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में अच्छे खासे मात्रा में प्रोमोटर्स बने हुए हैं, तकरीबन 3.5% के आसपास उनकी हिस्सेदारी है, तो इसको कम नहीं किया जा सकता है पेनी स्टॉक में। तो ओवरऑल इस स्टॉक में पब्लिक और प्रोमोटर्स दोनों की हिस्सेदारी है, आपको बस कंपनी के
की क्वार्टर फोर के नतीजे को आने का इंतजार करना, उसके बाद जल्द ही केबीसी ग्लोबल आपको रॉकेट बनते हुए दिख सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ केबीसी ग्लोबल के बारे में जो जानकारियाँ मैंने आपको बताई, जो अपडेट दिए, आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल है मन में कमेंट में जरूर पूछिएगा, या आप मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हो तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, जहाँ लगता है जीरो ब्रोकरेज, यानी कि एक रुपये भी आप कमाएंगे तो एक रुपये टोटल आपका होगा। उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।